नमस्कार दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे आदमी के ऊपर है जो अपनी ही बेटियों से शादी कर लेता है और वह उनके साथ क्या क्या करता है हम आगे देखेंगे। यह मूवी 2019 में रिलीज हुई थी जिसका नाम द अदर लैम्ब है। इस मूवी में हम बहुत सी लड़कियों को खाने के टेबल पर बैठा हुआ देखते हैं। इसमें एक ही आदमी बैठा होता है जिसका नाम सैपेड होता है। रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई लड़कियां सैफेट की वाइफ हैं और ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई सभी लड़कियां सैफेट की बेटियां हैं। असल में ये सभी बाहरी दुनिया से अलग एक जंगल में रहते हैं और सभी लड़कियां सैफेट को ही अपना भगवान मानती हैं। ये सैफेट को भगवान इसलिए मानती हैं क्योंकि सैफेट ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद सैफेट ने उन्हें रहने की जगह दी और उनका ख्याल भी रखा था। यह वजह थी सैफेट को भगवान मानने की। यहाँ तक कि खाने और सोने से पहले वे सैफेट के नाम की प्रेयर भी करती हैं। सैफेट को अपने सभी बेटियों में सबसे ज़्यादा प्यारी सैला है क्योंकि सैला अभी तक पूरी तरह पवित्र थी। सैफेट उससे कहता था, तुम अपनी माँ की तरह खूबसूरत हो और तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सैला एक कमरे में दो लड़कियों के लिए खाना ले जाती है, जिसे सैफेट ने अलग किया था क्योंकि उसका मानना था कि यह दोनों लड़कियां पवित्र नहीं हैं। और सैफेट ने बाकी लड़कियों से बोल रखा था कि जो भी इन लड़कियों को छुएगा वह भी अपवित्र हो जाएगा। तभी अपवित्र लड़कियां बोलती हैं सैला से, तुम लोगों को अंदाजा नहीं है कि सैफेट कितना बुरा आदमी है। तो सैला की उनसे बहस हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। इसके बाद एक दिन सैला पहाड़ों पर घूम रही होती है तो उसका पहला पीरियड आता है। अब वह ब्लड को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसको पता नहीं था यह तो सभी लड़कियों में कॉमन होता है। वह इतनी डर जाती है कि वहाँ पर खड़े एक भेड़ के बच्चे को मार डालती है और सबसे बताती है कि जंगली कुत्तों ने भेड़ को मार दिया है। सैफेट उसकी बात पर विश्वास कर लेता है। अब सैला को रात को नींद नहीं आती है और रात को बाहर कार की आवाज सुनकर झांकती है तो देखती है सैफेट किसी पुलिस वाले से बात कर रहा है। पुलिस वाला सैफेट को धमकी देता है कि तुम लोगों को जल्दी ही यह जगह छोड़नी होगी वरना तुम्हें जेल जाना होगा। अगले दिन सैफेट सभी को बताता है कि हम लोगों को यह जगह छोड़नी होगी वरना बाहर की दुनिया वाले तुम सबको अपने साथ ले जाएंगे। सैफेट कहता है, मैं तुम सबको बहुत खूबसूरत जगह पर ले जाऊंगा। यह सुनकर सभी बड़े खुश होते हैं पर सैला खुश नहीं होती है क्योंकि उसे यह जगह पसंद थी। इसके बाद सभी सामान पैक करके नई जगह के लिए निकल जाते हैं और अपने साथ दोनों अपवित्र लड़कियों को भी ले जाते हैं। अब सारे लोग चलते चलते थक जाते हैं तो वहीं पर कैंप लगाकर रुक जाते हैं। फिर अगले दिन सभी लड़कियां सैला के पीरियड ब्लड को देख लेती हैं और उसे भी अपवित्र बुलाने लगती हैं। सैफेट को इस बारे में पता चलता है तो वह सैला को उन अपवित्र लड़कियों के साथ रहने को भेज देता है। अब अगले दिन वो लोग फिर सफर पर निकलते हैं। अब वह अपवित्र लड़की सैला को बताती है कि मैं और तुम्हारी माँ दोनों सबसे पहले इस भीड़ में शामिल हुए थे और तुम्हें सभी लोगों ने कहा होगा तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी, मगर ऐसा नहीं है। वो तुम्हें जन्म देने के बाद भी जिंदा थी और उसे इन्फेक्शन हो गया था और सैफेट उसे लेकर हॉस्पिटल नहीं गया और वह मर गई। यह सुनकर सैला को बड़ा गुस्सा आता है और वह उस अपवित्र लड़की सैरा से पूछती है कि तुम इस भीड़ को छोड़कर चली क्यों नहीं जाती। तब सैरा उसे बताती है, मेरी बाहरी दुनिया में कोई नहीं है। वह बताती है, एक टाइम था जब सैफेट उससे बहुत प्यार करता था पर जब से वह अपवित्र हुई है सैफेट ने उसे दूर कर दिया है। अगले दिन वे सब फिर से सफर पर निकलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एक प्रेग्नेंट औरत को लेबर पेन होने लगता है और उस औरत को जंगल में ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है और वह औरत वहीं मर जाती है। पर सैफेट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह उसकी बॉडी को वहीं जला देता है। तभी सारा वहां आकर बोलती है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पर सैफेट उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। फिर जब सभी लोग सफर पर निकल रहे होते हैं तो सैफेट जमने बच्चे को नहीं ले जाना चाहता है क्योंकि वह एक लड़का था। यह देख सारा डिसाइड करती है कि वह आगे नहीं जाएगी और उस बच्चे के साथ रहेगी।
इसके बाद सभी आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद सभी रुक जाते हैं। तभी एक लड़की कहती है, मैंने उस तरफ कुछ देखा है। तभी सैफट को गुस्सा आता है और वह उस लड़की को मारने लगता है और कहता है, यहाँ पर लीडर सिर्फ मैं हूँ, तुम लोग नहीं। फिर सभी लोग आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुँच जाते हैं। सभी बड़े खुश होते हैं। फिर सैफट सभी लड़कियों को नदी में नहलाकर पवित्र करता है और सैफट की सभी वाइफ रात को आपस में बात करती हैं कि कल सैफट उन सभी लड़कियों का पुनर्जन्म करेगा। अगले पल सारी लड़कियां नदी के किनारे पहुंचती हैं तो पाती हैं कि सभी लड़कियों की माँ मरी पड़ी है। तब सैफट कहता है, मैंने नदी की मदद से तुम्हारी माँ को मोच दे दिया है, लेकिन पिछली रात सैफट ने सभी को नदी में डुबाकर मार दिया था। इसके बाद सैफट कहता है, अब तुम सब मेरी वाइफ बनोगी। और सैला को कहता है, तुम मेरी सबसे अच्छी वाइफ बनोगी और इस भीड़ को लीड करोगी। सैला कहती है, वह ऐसा नहीं करेगी। तो सैफट सैला को थप्पड़ मार देता है। यह देख सैला भी उसे मारने लगती है। फिर और सभी लड़कियों की भी हिम्मत बढ़ जाती है और सभी मिलकर सैफट को नदी में डुबो डुबो कर मार देती हैं। इसके कुछ दिन बाद पुलिस वालों को सैफट की सभी वाइफ और सैफट की डेड बॉडी मिलती है, जिसके सिर पर लैम्ब के सींग लगे थे। इसलिए इस मूवी का नाम द अदर लैम्ब रखा गया है। Thanks for watching.